नमस्कार दोस्तों, यूटीवी न्यूज 24 के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी खिलाड़ी पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर जल्द ही आईपीएल का हिस्सा बनने वाले हैं। आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे मोहम्मद आमिर आप सभी को, और आईपीएल में कौन सी टीम का हिस्सा बनेंगे, अगर आप भी जानना चाहते हो इन सारी बातों के बारे में कि आईपीएल में अगर खेलेंगे मोहम्मद आमिर तो फिर आईपीएल में किस टीम के साथ खेलेंगे, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट की खबर सबसे पहले देखने के लिए फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, साल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जहां पर पाकिस्तान ने भारतीय टीम को हराया था चैंपियंस ट्रॉफी में। वहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान के खिलाड़ी का योगदान था वो था मोहम्मद आमिर का। तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने मात्र 16 रन खर्च किए थे 10 ओवर में, और विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था और अकेले दम पर चैंपियंस ट्रॉफी को जिताया था। मगर दोस्तों उसके बाद साल 2020 में पाकिस्तान के इस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, और संन्यास लेने की वजह भी बताई, पाकिस्तान पर बहुत सारे आरोप भी लगाए कि मुझे जबरदस्ती संन्यास दिलवाया गया। और मोहम्मद आमिर ने आगे इंटरव्यू में बताया कि फिलहाल मैं इंग्लैंड में रह रहा हूं और आने वाले समय में 7-8 साल तक रहने वाला हूं, और इंग्लैंड की सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर दिया है। अगर मुझे इंग्लैंड की नागरिकता मिल जाती है तो मैं आईपीएल में खेल सकता हूं और आने वाले समय में 7-8 साल तक खेल सकता हूं आईपीएल में। मोहम्मद आमिर ने तो ये भी बता दिया, जब सवाल पूछा मोहम्मद आमिर से कि आपको किस टीम से खेलना पसंद करेंगे, तो मोहम्मद आमिर ने बताया कि मैं धोनी के साथ खेलना पसंद करूंगा, चेन्नई सुपर किंग के साथ खेलना पसंद करूंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैसे तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बैन लगा हुआ है कि पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी आईपीएल में हिस्सा नहीं ले सकता है, आईपीएल के कोई भी मैचेस नहीं खेल सकता है। हालांकि स्टार्टिंग में आईपीएल में कई खिलाड़ी खेले थे, मगर उसके बाद जैसे जैसे हमारे और पाकिस्तान के रिश्ते खराब होते गए, बीसीसीआई ने भी साफ मना कर दिया कि आप आईपीएल नहीं खेल सकते। मगर दोस्तों अब सुनने में ऐसा आ रहा है कि मोहम्मद आमिर खेलेंगे, तो मोहम्मद आमिर तो पाकिस्तान के हैं, तो पाकिस्तान का खिलाड़ी कैसे खेल सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे इंग्लैंड की नागरिकता मिल जाएगी तो वो पाकिस्तान के नहीं रहेंगे, और इंग्लैंड के निवासी होने के नाते वो आईपीएल में खेलने वाले हैं। दोस्तों आपके हिसाब से मोहम्मद आमिर को खिलाना आईपीएल में क्या सही बात है या फिर दोस्तों नहीं है, आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस खबर में इतनी था, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए यूटीवी न्यूज 24।